क्या सेंगोल से जुड़ा है नेहरू जी का इतिहास? क्यों पड़ी नए संसद भवन की जरूरत? जहां दाल दाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जी हाँ दोस्तों, हमारे भारत देश में तमाम राजनीतिक हंगामों के बीच प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट नए संसद भवन का उद्घाटन अमित शाह के अनाउंसमेंट के बाद 28 मई को नरेंद्र मोदी जी के हाथ से हो गया था। साथ ही वहां संसद भवन में स्पीकर की सीट के पास सेंगोल भी रखा गया, जिसका इतिहास प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है। आखिर क्या है वो इतिहास? क्या होता है सेंगोल? आखिर कैसे हमारी प्राचीन सभ्यता से जुड़ा है ये सेंगोल? आखिर क्या जरूरत थी नए संसद भवन बनाने की? 971 करोड़ का संसद भवन बनाना क्या बहुत जरूरी था? आइए जानते हैं आगे, साथ ही आपको बताएंगे अब तक कहां था सेंगोल और पुराने संसद भवन का क्या होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देना मत भूलिएगा। सत्य हमेशा सत्य ही रहता है, चाहे आप पसंद करें या नहीं। आलस्य स्वयं के लिए हानिकारक है। कुछ ऐसी ही सोच रखने वाले नेहरू जी के इतिहास के एक पन्ने को करीब से देखते हैं। सेंगोल क्या है और वो कैसे नेहरू जी के इतिहास से जुड़ा हुआ है? कई दिनों से जो चर्चा हो रही है वो है सेंगोल नाम के इस शब्द की। सेंगोल, जिसका अर्थ है शंख, जिसमें कई बेशकीमती हीरे जड़े हुए हैं, और साथ ही ये एक स्वर्ण परत वाला राजदंड है। सेंगोल एक 5 फीट भाला की आकार का होता है, जिसके ऊपर के भाग पे हैं भगवान शिव के वाहन नंदी, जिसका उपयोग तमिलनाडु में किया जाता था। ये सोच साम्राज्य में हुआ करती थी, जहां ये प्रथा होती थी कि जब एक राजा अपने उत्तराधिकारी को अपना साम्राज्य सौंपा करता था, तो उस समय जब सत्ता का हस्ताक्षर होता था तब सेंगोल एक सिंबल की तरह दिया जाता था। इसे तमिलनाडु का राजदंड भी कहा जाता था। सेंगोल विरासत, प्रतिष्ठा और परंपरा का प्रतीक भी माना जाता था। सेंगोल को नए संसद भवन के उद्घाटन में प्रवेश करके हमारे देश के प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि प्रदान की थी। आजादी के दौरान ये सेंगोल 14 अगस्त 1947 की रात राजदंड के अधिकार से भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी को प्रतीक के रूप में तमिलनाडु की जनता द्वारा सौंप दी गई थी। दक्षिण भारत और तमिलनाडु में आज भी सेंगोल को प्रतीक माना जाता था, और आज भी ये सेंगोल भारत की आजादी और भारत की सत्ता का प्रतीक रहा है। अब तक सेंगोल कहाँ था? हम सबके मन में ये प्रश्न जरूर आता होगा कि आखिर अब तक क्यों कभी सेंगोल का नाम सामने नहीं आया, ना ही हमने कुछ सुना था उसके बारे में। होम मिनिस्टर अमित शाह का कहना था कि सेंगोल राजदंड अभी तक प्रयागराज के आनंद भवन संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता चला तो उन्होंने इसकी छानबीन करवाई, और इसी दौरान सेंगोल से जुड़ी ये सब जानकारी हाथ आई और उसे नए संसद भवन में लाया गया। करीब 1000 करोड़ से बने नए संसद भवन की क्या जरूरत आ गई थी? कहते हैं ना, जैसे हर धरोहर की एक उम्र होती है, वैसे ही संसद भवन की भी उम्र हो गई थी, और लगातार जरूरत पड़ रही थी कि पुराने संसद की जगह एक नए संसद भवन का निर्माण हो जाए। करीब 100 साल पुराने संसद भवन में कुछ कमियां आ गई थी, यही कारण था नए संसद भवन के निर्माण का। आइए जानते हैं वो कमियां। नंबर 1, लोकसभा में 545 सांसदों की संख्या 1971 के जनगणना के आधार पे है, और 2026 के बाद इसमें और बढ़ोतरी के आसार हैं। नंबर 2, सेंट्रल हॉल में सिर्फ 440 लोग ही बैठ सकते हैं, यहाँ उनका बैठना संभव नहीं था। कोई संयुक्त सांसदों को साथ में बैठने में बहुत दिक्कत होती थी, और कभी कभी तो जगह भी नहीं मिलती थी। और इसके अलावा जो बैठने की जगह थी वह काफी जगह टूट फूट हो चुकी थी, और उसकी मरम्मत करना संभव नहीं हो पा रहा था। नंबर 3, पानी के लाइंस खराब हो चुके थे। CCTV, फायर लाइंस, ऑडियो वीडियो जैसी सुविधा भी यहाँ सही से नहीं थी। जिस तरह से कर्मचारी भरे उस हिसाब से व्यवस्था नहीं भरी। नंबर 4, ये भूकंप 2 जोन में आ चुकी थी, और अब ये जोन 4 में आ गई, यहाँ बैठने में भी दिक्कत हो रही थी। संसद भवन की उम्र पूरी हो चुकी थी, और इसलिए नए संसद भवन का निर्माण किया गया। पुराने संसद भवन का क्या होगा? नया संसद भवन तैयार हो गया और उसका उद्घाटन भी हो गया, लेकिन सवाल ये है कि अब 1927 के पुराने संसद भवन का आखिर क्या होगा, जहां से बहुत सारे कानून पास हुए थे, जहां इतिहास रचा गया था, जहां से नए राष्ट्र का निर्माण हुआ। नए संसद के बाद पुराने संसद का भविष्य क्या होगा, जिसे हमारे देश की आत्मा माना जाता है? सरकार के मुताबिक पुराने संसद भवन को ऐसे ही रखा जाएगा, क्योंकि यह देश की एक संपत्ति है। सांसद के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस संसद का इस्तेमाल
किया जाएगा। 2022 के रिपोर्ट के हिसाब से पुरानी संसद को एक संग्रहालय में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन अभी कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। इसे पहले एक काउंसिल ऑफिस की तरह भी इस्तेमाल किया गया था। फिलहाल हमें और आपको इंतजार रहेगा, आखिर पुरानी संसद भवन का क्या किया जाएगा। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। सेंगोल का सफर जवाहरलाल नेहरू जी से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी तक एक यादगार इतिहास रहा है। आगे देखते हैं आखिर क्या इतिहास रचेगा ये सेंगोल। उम्मीद करते हैं सेंगोल, जो कि देश का प्रतीक, राजदंड और इतनी बड़ी सत्ता का एकमात्र स्रोत है, उसकी गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा पे कभी आँच ना आए और ये सेंगोल ऐसे ही पीढ़ी दो पीढ़ी एक प्रतीक बन के सत्ता उत्तराधिकारी का कार्य करता रहे। साथ ही नए संसद भवन के बाद पुराने संसद भवन का भी एक अच्छा उपयोग होगा। अब समय हो गया है, हम फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।